तो बाहर अभी इतना ज़्यादा नॉइज़ हो रहा था कि व्लॉग करना नामुमकिन हो गया, इसीलिए मैं वापस आया हूँ अभी अपने रूम में आप लोग से थोड़ी सी बात करने के लिए। तो जो इवेंट है मेकअप आजी का, जो परफॉर्मेंस है, बहुत ही धुआंधार जा रहा है। और अभी मैं थोड़ा काम से बाहर गया था तो मैंने देखा कि कॉलेज के बाहर 2 किलोमीटर तक की लंबी लाइन लगी हुई है। मतलब वाह, क्या फ़ैन फॉलोइंग है। तो अभी मैं वापस जाऊँगा परफॉर्मेंस देखने, इन्जॉय करने के लिए। कैमरा लेके जाने का फ़ायदा नहीं है तो इधर ही रखना पड़ेगा मुझे कैमरे को। मिलते हैं इवेंट के बाद। बाय बाय। सो गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और कल रात के कॉन्सर्ट के बाद बिल्कुल एनर्जी नहीं बची थी, मैं रूम में आके जस्ट सो गया। और अभी उठा हूँ 12 बजे के करीब, और अभी जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। सामान वामान एकदम ले लिया, एकदम चेकआउट कर रहे हैं इस कॉलेज से हम लोग। एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे, बहुत मस्ती हुआ एंड पेट में भी भूख लग रही है। चलो कुछ खाते हैं। सो गाइस, इधर पे अभी जो धूप है वो काफ़ी तेज़ है, देख पा रहे हो एकदम, इसलिए मैंने सनस्क्रीन लगा लिया है। एंड अभी ब्रेकफास्ट करने मैं उस दुकान में जा रहा हूँ जहाँ पे पिछले 2 दिन से मैं खा रहा हूँ, दैट्स माई फेवरेट शॉप। वहाँ पे सुबह सुबह इतनी मस्त कचौड़ियाँ मिल रही, क्या बताऊँ। तो सामने ही है कॉलेज के, जो सामने, चलो कचौड़ियों ख़त्म। अभी वापस से कॉलेज के अंदर आना पड़ा क्योंकि जो शॉप में हम लोग कचौड़ी खाते थे उधर पे कचौड़ियाँ ख़त्म हो गई है अनफॉर्चुनेटली, इसीलिए अभी कॉलेज के कैंटीन से ही खाना पड़ेगा। 1 बजे ट्रेन है, अभी 12 बज चुके हैं। अभी हमारी जो ट्रेन है वो 1 बजे है, अभी कॉलेज के अंदर ही बज गया 12:30। अभी फट फट करके खाया है मैंने, मतलब जानवरों की तरह। सामने उबर खड़ी है, और जाएगा देख रहे हैं। और नहीं वो वाला नहीं। ट्रेन मिल गई है। सो गाइस, आई एम बैक टू कोलकाता। और ट्रेन की जो जर्नी थी, हम लोग स्टेशन में उतरे, उतर के फिर बस पकड़ के घर गए। घर जाने के बाद मैं नहाया, फिर खाना खाया, खाना खा के जस्ट सो गया। एंड दिस इज़ अनदर डे। आज मैं आया हूँ रूबी हॉस्पिटल के पास, ये कुछ पास है, एक इवेंट है शाम को निको पार्क में सुनिधि चौहान का, तो उसी के लिए आई हैव गॉट पासेस। तो मतलब
लास्ट वीडियो में मीका सिंह का कॉन्सर्ट था, इस वीडियो में सुनिधि चौहान का कॉन्सर्ट है, तो दोनों वीडियो को मैंने फिर चिपका दिया है। अभी पास लेके मैं जाऊंगा घर वापस। तो अभी घर जाते वक्त रास्ते में मुझे एक काम याद आ गया है, वो है कि कॉलेज का मेरा एक बुक है उसको मैंने जेरोक्स करवाने के लिए दिया था, क्योंकि जो एक्चुअल प्राइस होता है ना बुक का, उससे अगर आप जेरोक्स करवा लोगे तो कम दाम में हो जाता है ना, स्मार्ट मूव। तो अभी जो है मेरा इतना बड़ा वाला कट चुका है कि क्या बताऊँ, मैं जेरोक्स करवाने गया था ये सोचिए कि मुझे कम पैसे लगेंगे, लेकिन जो बुक की MRP है उससे ज़्यादा मेरा खर्चा पड़ गया। 400 रुपये का बुक है वो, और मुझे पड़ा है एटलीस्ट कितने में, 468 में पड़ा है, तो लॉस हो गया मेरा। सो गाइज, अभी मैं पहुंच गया हूँ घर, अभी फटफट करके नहाना है, फिर खाना है और निकल जाना है, लेकिन आप लोग एक सेकेंड रुको। तो अभी मैं हो चुका हूँ पूरा रेडी, अभी टाइम टू लीव, अभी लेट हो गया हूँ, बाल वाल भी देख कर अभी एकदम सेट नहीं है, रास्ते में चलते चलते कर लूँगा। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चिंगड़ी घाटा का क्रॉसिंग में, यहाँ से हम लोग ऑटो लेके चले जाएंगे निको पार्क, पीछे ऑटो का लाइन है, एंड अभी हम लोग लेट हो चुके